Good morning, students. I hope you are fit and fine at your home. Today in this section, we are going to discuss about the remaining postulates of Bohr's atomic model. हमने लास्ट सेक्शन में बोर्स एटॉमिक मॉडल डिस्कस किया था, उसमें कुछ पॉस्टुलेट रह गए थे. द फाइनल पॉस्टुलेट जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं वो क्या था कि जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो बोर ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो सर्कुलर ऑर्बिट में ट्रैवल करते हैं, उनका जो एंगुलर मोमेंटम है दैट इज़ इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन टू पाई. दैट मीन्स द इलेक्ट्रॉन विच रिवॉल्व्स इनसाइड द सर्कुलर ऑर्बिट्स इन एन एटम हैज़ इट्स एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू h अपॉन टू पाई, एन एच अपॉन टू पाई, वेयर एन इज़ द इंटीजर. तो इसलिए हम इसको बोलते हैं इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन टू पाई. ये एंगुलर मोमेंटम है, एम वी आर इज एंगुलर मोमेंटम. किसके बराबर है? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन टू पाई. दिस इज द कॉन्स्टेंट वैल्यू गिवन बाय बोर इन दिस सेक्शन. नाउ अब दूसरी बात यहाँ पे ये है कि जैसे हम मैथमेटिकल फॉर्म्स में एंगुलर मोमेंटम एसेस कर सकते हैं, तो इसका मतलब क्या है? जैसे वेलोसिटी जो था वो क्वांटाइज्ड था, चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन का क्वांटाइज्ड होता है, वैसे ही एंगुलर मोमेंटम इज आल्सो क्वांटाइज्ड. दैट मींस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मैथमेटिकल टर्म्स, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस, नंबर्स, इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है. दूसरी बात, जो हमारा इलेक्ट्रॉन है जो मूव कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट्स के अंदर, उसके जो लेवल है जहाँ पर वो होता है, बेसिकली जहाँ पर वो होता है उसको ग्राउंड स्टेट कहा जाता है. अगर वो अपनी स्टेट से या तो लोअर एनर्जी स्टेट में आ जाए या हायर एनर्जी स्टेट में चला जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज़ टर्म्ड एज एक्साइटेड स्टेट. तो अपने ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट में भी आ सकता है अगर वो एनर्जी छोड़ता है, और वो हायर एनर्जी लेवल में भी जा सकता है अगर वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है. दोनों ही स्टेट्स को हम एक्साइटेड स्टेट कहते हैं, और जहाँ वो ऑलरेडी है वो नॉर्मल या ग्राउंड स्टेट कहलाती है. अब आता है तीसरी बात कि इनके बीच का डिफरेंस. अब जैसे एनर्जी तो अलग अलग है, फर्स्ट एनर्जी स्टेट अलग होती है, सेकंड अलग होती है, थर्ड अलग होती है. तो जो एनर्जी का डिफरेंस है, इलेक्ट्रॉन मान लीजिए फर्स्ट से सेकंड में चला गया, तो जो एनर्जी का डिफरेंस आता है उसको हम डेल्टा जी कहते हैं, डेल्टा ई कहते हैं, दैट इज इक्वल टू ई टू माइनस ई वन. ठीक है, हायर माइनस लोअर, जहां से गया जहां आया. तो जो एनर्जी का डिफरेंस है जब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करता है एक्साइटेड स्टेट में जाता है लोअर या हायर, तो जो एनर्जी का डिफरेंस है वो ऐसे निकालते हैं, ई टू माइनस ईवन से निकालते हैं स्टूडेंट्स. सो दीज आर द पॉस्टुलेट्स विच आर देयर इन अ बोर्स एटॉमिक मॉडल में जो यहाँ पे थे. एक चीज़ और यहाँ पे हम बात करेंगे. आपने देखा होगा कि हम जब डिस्कस कर रहे थे तो एनर्जी जो थी बोर मॉडल में, हमने जो एनर्जी ऑर्बिटल की एनर्जी देखी थी, दैट वॉज गिवन एज ई एन इज इक्वल टू माइनस 1312 डिवाइड बाय एन स्क्वायर किलो जूल पर मोल. आपको याद होगा पिछले सेक्शन में हमने बात की थी इसके बारे में. जो एनर्जी होती है, एनर्जी लेवल जो होता है, जो एनर्जी गिवन, मतलब आप जैसे हमने पढ़ा था कि बोर्स एटॉमिक मॉडल में कि हर एक जो शेल है उसकी एनर्जी अपनी एक एनर्जी होती है, और वही एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की भी होती है. तो जो एनर्जी है दैट वॉज गिवन बाय दिस फॉर्मूला माइनस 1312 अपॉन एन स्क्वायर किलो जूल पर मोल, इससे दी थी हमने बेसिकली विद द हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जैसे एटम्स के लिए. अब यहाँ पे एक चीज़ आप देख रहे हैं, दिस इज द नेगेटिव एनर्जी. ये एनर्जी नेगेटिव में है. क्या रीज़न है? व्हाई दिस एनर्जी इज इन नेगेटिव? ये एनर्जी नेगेटिव क्यों है? व्हाई दिस इज टेकन एज नेगेटिव? दिस इज अ गुड क्वेश्चन. क्या रीज़न है? देखिए, जब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस की, तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस जब नॉर्मल स्टेट में हैं, दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम इट. वो काफ़ी दूरी पर हैं, एक दूसरे से बहुत दूर हैं वो इलेक्ट्रॉन, और कौन है हमारा जो न्यूक्लियस है, बहुत दूरी पर है. तो इनफाइनाइट डिस्टेंस है उनके बीच में, एंड ड्यू टू दैट इनफाइनाइट डिस्टेंस, उस इनफाइनाइट डिस्टेंस होने की वजह से क्या है, उनके बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस है दैट बिकम्स जीरो. आप ये कह सकते हैं जो एनर्जी डिफरेंस है, या आप इससे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो जीरो होता है, नेग्लिजिबल होता है. सो देर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन बिकॉज दे आर वेरी फार अवे, बहुत डिस्टेंस, इनफाइनाइट डिस्टेंस है उनका. अब इलेक्ट्रॉन क्या है, धीरे धीरे क्या है, मूव कर रहा है न्यूक्लियस की तरफ, मूव करता जा रहा है. जैसे वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ मूव करने चलता है, तो उससे क्या हो जाता है, जो देर इज अ अट्रैक्टिव फोर्स कम्स अप, वहाँ पे एक अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होना शुरू हो जाता है विद द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन. तो एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि एनर्जी ऑलरेडी जीरो है ही है, और एनर्जी वहाँ से क्या हो रही है, रिलीज हो रही है. तो वो एनर्जी क्या है, अब इट इज़ टेकन एज नेगेटिव. एनर्जी पहले से जीरो तो थी ही, इनफाइनाइट डिस्टेंस, अब इलेक्ट्रॉन नज़दीक आ रहा है न्यूक्लियस के, तो फोर्स अट्रैक्शन डेवलप हो रहा है उनके बीच में, तो एनर्जी अब जो आ रही है दैट बिकम्स नेगेटिव, वो रिलीज होती है एनर्जी, दैट्स वाई दैट एनर्जी इज टेकन एज नेगेटिव स्टूडेंट. ओके,
तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो जैसे जैसे क्लोज न्यूक्लियस के आएगा, अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, मोर एनर्जी रिलीज होगी और आपको नेगेटिव एनर्जी वहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बातें थी। अब एक छोटा सा टॉपिक है यूजफुलनेस, बोर्स मॉडल का यूजफुलनेस देख लेते हैं। व्हाट इज द यूजफुलनेस ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल, क्या हम कह सकते हैं यूज ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल, यूज ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल, व्हाट इज द यूज। सबसे पहली बात है इट एक्सप्लेन्स द स्टेबिलिटी, इट एक्सप्लेन्स द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम, एटम की स्टेबिलिटी दिखाता है, एक्सप्लेन्स द स्टेबिलिटी, ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑफ एटम, एटम की ओवरऑल स्टेबिलिटी को बोर्स एटॉमिक मॉडल जो है वो एक्सप्रेस करता है। ठीक है, क्योंकि देखिए आपने पुराना जो हमारा मॉडल था, जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल था, उसमें कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में हैं, और अगर वो ऐसा करते हैं और वो स्पीड में मूव कर रहे हैं, रदरफोर्ड ने ऐसा कहा था, तो अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे करेंगे तो एनर्जी रिलीज करेंगे और वो कोलैप्स हो जाएंगे न्यूक्लियस में। पर यहाँ ऐसा नहीं था, यहाँ उसको एक्सप्लेन किया गया, यहाँ ये बात बताई गई कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो फिक्स्ड एनर्जी के सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, फिक्स्ड एनर्जी के सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, तो वहाँ पर ना तो एनर्जी लूज या गेन करने का कोई सिस्टम नहीं होता, इसीलिए हमारा जो एटम है वो क्या रहता है, स्टेबलाइज रहता है। तो जो क्वेश्चन अराइज हुआ था कि एनर्जी लूज होगी या गेन होगी, वैसा नहीं है, वो रदरफोर्ड में था, वो उसका ड्रॉबैक था। ठीक है, यहाँ ऐसा नहीं होता, एज लॉन्ग एज स्टेज इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट, जैसे एज लॉन्ग एज जो हमारा इलेक्ट्रॉन है इस पर्टिकुलर ऑर्बिट में, पर्टिकुलर एनर्जी शेल में रहेगा, वहाँ पे ना तो एनर्जी लूज होगी ना गेन होगी, सो एटम रिमेन्स स्टेबल। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, तो एक्सप्लेन्स द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम, ये बात उसने एक्सप्लेन। दूसरी बात है जो यहाँ एक्सप्लेनेशन होता है बोर्स एटॉमिक मॉडल में, एक्सप्लेन्स द लाइन स्पेक्ट्रम, द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम का जो लाइन स्पेक्ट्रम है वो भी क्या करता है, यहाँ पर ये बोर्स एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन करता है। दैट इज़ बिगेस्ट थिंग। आपको याद होगा हमने इमिशन स्पेक्ट्रम पढ़ा था, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पढ़ा था, आपको ध्यान होगा हमने लाइमन बार्मर पैशन ब्रैकेट पीफंड, ये पाँच जो रेडिएशंस थे जो डिस्कवर हुए थे हाइड्रोजन एटम में, वो हमने देखे भी थे। सो दिस वॉज गिवन इन द बोर्स एटॉमिक मॉडल, और कहीं पे ये एक्सप्लेनेशन नहीं था। ठीक है, वहाँ इसको दिया गया। फिर यहाँ इसी मॉडल के अंदर C इज इक्वल टू एच न्यू जो रिलेशनशिप थी वो यहाँ से आती है, एनर्जी डिफरेंस की जो रिलेशनशिप थी E2-E1 वो यहाँ से आती है। यहाँ से आप वेव लेंथ डिटरमाइन कर सकते हैं, वो भी यहाँ से पॉसिबिलिटी थी विद दैट फॉर्मूला। तो ये सारा जो एक्सप्लेनेशन था, फोटोन, क्वांटम, ये सारा एक्सप्लेनेशन हमने किस में देखा था, बोर्स मॉडल में देखा था। द एक्सप्लेनेशन वॉज वेरी मच डिफाइंड इन दिस बोर्स एटॉमिक मॉडल अबाउट द एटम, हाइड्रोजन एटम। देन दूसरा एक और आप यहाँ पे ले सकते हैं, दैट इज़ कि जो लाइन स्पेक्ट्रम था किन से रिलेटेड, जो हमारे हाइड्रोजन जैसे और भी एटम्स हैं जिनमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है, लाइक Li पॉजिटिव है, ठीक है, हीलियम टू पॉजिटिव है, तो इस तरह के Hc पॉजिटिव है। ठीक है, तो इनमें जहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है, यानी कि जो आयन्स हैं जो बिल्कुल हाइड्रोजन के जैसे हैं, उनका भी एक्सप्लेनेशन, उनका भी स्पेक्ट्रम यहाँ पे दिया गया था। दीज टू आर द यू कैन से द बेसिक एंड द बिगेस्ट यूजफुलनेसेस जो हमने बोर्स एटॉमिक मॉडल में देखी हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने देखा। इन केस यू हैव डाउट्स यू कैन कॉन्टैक्ट मी। ओके, थैंक यू।